Now, properties of correlation coefficient. The first property is the coefficient of correlation is a unit free measure. It means the coefficient of correlation R does not depend on the unit. वो यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. यदि बायवेरिएट डाटा किसी भी यूनिट में है तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगा. सेकेंड प्रॉपर्टी है कि द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन इंक्लूडिंग द लिमिटिंग वैल्यू. इंक्लूडिंग द लिमिटिंग वैल्यू मतलब इट इंक्लूड्स माइनस वन एंड प्लस वन एंड इट लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन. थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन remains invariant due to change of origin and scale. Origin और scale पर depend नहीं करते हैं but depend on the sign of the scale factor. जो भी इसका sign of scale factor है उसके ऊपर depend करेगा. जैसे u है हमारा x minus a upon b और v है y minus c upon d. तो b scale है और d scale. तो जो हमारा correlation of r x of x y this will be equal to bd मॉडुलस बी मॉडुलस डी आर यू बी. अब इससे क्या मतलब निकला ये समझिए. यदि आपका यू इक्वल सपो बी और डी दोनों पॉजिटिव है तो आर एक्स वाई और आर यू वी सेम रहेगा. यदि बी और डी दोनों नेगेटिव है तो भी आर एक्स वाई आर यू वी सेम रहेगा. ये चेंज कब होगा जब दोनों डिफरेंट साइन के होंगे. मतलब बी पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो डी पॉजिटिव हो तब जाके ये आपका साइन में चेंज आएगा. फोर्थ अभी प्रॉब्लम करते हैं इस पर. पहले प्रॉपर्टी देख ले कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. नाउ कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज गिवन बाय आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस. दिस इज कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. सेम कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन. दिस इज इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस. ये आपका कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन होगा. अब बेटा हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन पे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. अब इस पर प्रॉब्लम किस तरह की बनती है. एक प्रॉब्लम जरूर आती है ये चीज ध्यान रखना. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम. The coefficient of correlation between x and y is 0.6. U and V are two variables. Two variables defined as u equal to x minus 3 by 2 and v equal to y minus 2 by 3. Then find the coefficient of correlation. Between u and v. अब देखिए बेटा u है आपका x माइनस 3 बाई 2 तो इसका स्केल v हो गया 2. स्केल v इक्वल टू 2. v है y माइनस 2 बाई 3 तो स्केल d हो गया आपका 3. अब दोनों पॉजिटिव है. नाउ b इज पॉजिटिव d इज पॉजिटिव. सो बेटा आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी. सो दिस इज इक्वल टू आर यू वी इज इक्वल टू आर एक्स वाई कितना हमारा 0.6. तो इसका आर यू वी कितना आएगा 0.6 क्योंकि दोनों सेम साइन के. नाउ सेकंड प्रॉब्लम. इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. X and Y is 0.46. Then find the coefficient of correlation. Then find the
कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाई टू। अब देखो एक्स एंड वाई बाई टू की बात कर रहे हैं, नाउ अगेन स्केल ऑफ एक्स, स्केल ऑफ एक्स इज वन, स्केल ऑफ वाई बाई टू इज इक्वल टू टू पॉजिटिव। नाउ बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, सो देयरफॉर आर एक्स वाई बाई टू इज इक्वल टू आर एक्स वाई एंड आर एक्स वाई इज 0.46। तो हमारा आर एक्स वाई बाई टू भी किसके इक्वल होगा, आर एक्स वाई के इक्वल होगा, तो दिस इज इक्वल टू 0.46। दोनों पॉजिटिव है इसलिए दोनों सेम रहेगा, आपको कहीं भी निकालने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन, देन फाइंड द कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन x माइनस टू एंड माइनस वाई बाई टू प्लस वन, एक्स माइनस टू एंड माइनस वाई बाई टू प्लस वन। अब देखिए इसमें स्केल ऑफ x माइनस टू इज वन, स्केल ऑफ माइनस वाई बाई टू प्लस वन इज माइनस टू। नाउ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सपोज ये b है और ये d है, so therefore b is greater than 0, d is less than 0, so scale of x minus 2, so coefficient of correlation of, so coefficient of correlation of x minus 2 and minus y by 2 plus 1 is equal to coefficient of correlation of xy minus, and this will be equal to minus 1। तो इसका कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा माइनस वन, क्योंकि दोनों आपके डिफरेंट साइन के हैं, दोनों अपोजिट साइन के हैं, इसलिए इसका कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इस तरह से आएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर फोर, द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इज माइनस 0.36। द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन, the linear relationship between x and u and y and d as 3x plus 5u equal to 3 and minus 8u minus 7v equal to 44. Then what is the correlation coefficient between u and v? Then what is the correlation coefficient? Then find the correlation coefficient between u and v. तो हमें यू और वी के बीच की कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी। अब देखिए किस तरह से करेंगे, समझिए 3x plus 5u equal to 3, 5u equal to minus 3x plus 3, minus 3 by 5x plus 3 by 5, now scale v equal to minus 5 by 3,
इसी तरह माइनस एट वाई माइनस सेवन बी इक्वल टू 44, सो माइनस सेवन बी इक्वल टू एट वाई प्लस 44, सो बी इक्वल टू माइनस एट सेवन वाई प्लस 44 माइनस माइनस सेवन. नाउ स्केल डी इक्वल टू माइनस सेवन बाई एट. नाउ बी इज लेस देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो, बोथ आर ऑफ सेम साइन. सो देयरफॉर आर यू वी इज इक्वल टू आर एक्स वाई, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं. और इसका मतलब इसका भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना होगा, माइनस 0.36 होगा. सो द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज माइनस 0.36. नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.6. इफ एक्स एंड वाई आर बोथ मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी अब दोनों को आपने माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब नाउ स्केल ऑफ एक्स, नाउ स्केल ऑफ एक्स बी इज इक्वल टू नेगेटिव. स्केल ऑफ वाई डी दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव है, बी लेस देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो. सो नाउ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वही का वही होगा जो पहले था, इज इक्वल टू आर एक्स वाई एंड दिस इक्वल टू 0.6. कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों को आपने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए देर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.9, then what is the coefficient of determination, अब हमें पता है बेटा coefficient of determination this is equal to r square and r है हमारा 0.9. So this is the coefficient of determination 0.81. एक और देखो, if the coefficient of, तो इस तरह की डायरेक्ट प्रॉब्लम भी आ सकती है, if the coefficient of correlation between x and y 0.6, then what is the coefficient of नॉन डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूं, तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन दिस इज इक्वल टू 1 - r² तो 1 - r कितना है, 0.6 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 0.64, ये आपकी वैल्यू 0.64 है. नेक्स्ट, इफ देयर इज ए कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन अ सीरीज, देन द करस्पॉन्डिंग ग्राफ विल बी
then the corresponding graph will be, इसका corresponding graph क्या होगा? A convex curve, B concave curve, C parabola and D straight line from left to right. अब देखो हमने scatter diagram में क्या पढ़ा था, यदि आपका increasing है, constant increase हो रहा है तो आपका graph इस तरह का बनेगा, तो straight line from lower left to upper right. तो हमारा आंसर क्या होगा, straight line from left to right. इसका आंसर आ जाएगा straight line from left to right.